वीडियो वायरल करने के लिए वीडियो का अपलोडिंग तरीका भी बेस्ट होना चाहिए। अगर आप रॉन्ग तरीके से वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपलोडिंग का तरीका बेस्ट इस्तेमाल किया। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी तकरीबन 20 से 30 वीडियोज़ जो है ना वायरल की हुई हैं, वो भी चंद अरसे में। अभी मैंने इस चैनल के ऊपर वर्क छोड़ दिया क्योंकि इसके ऊपर कुछ टेक्निकल्स प्रॉब्लम आ गई हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट अपलोडिंग तरीका। एक होता है यूट्यूब से तरीका अपलोडिंग का, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। इस तरीके से व्यूज़ मेरे ख्याल में बहुत ही कम होते हैं, जो कि इधर प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं और इधर से अपलोड करते हैं। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, आपने इधर से अपलोड नहीं करना। आपने क्या करना कि किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसा कि मैं क्रोम ब्राउज़र या एनी वन ब्राउज़र ओपन करता हूँ, और आपने यहाँ पर YT स्टूडियो सर्च करके अपने चैनल को इसमें लॉग इन कर लेना है, ठीक है। लॉग इन करने के बाद कंटिन्यू टू स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, मैं सारा प्रोसेस आपको इधर ही बताऊँगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया और मेरे तमाम स्टेप्स को फॉलो किया, तो इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आपकी जो वीडियो है वो लाखों में चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल को जो है ना ब्राउज़र में साइन इन कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा जूम करना है, और आपको एक ऊपर की और जानब एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट का, ठीक है, जो कि मैं आपको इधर मार्क करके भी दिखा देता हूँ, जो कि ये पड़ा हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो आपने सिंपलीफाई इसी के ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक तो आपके सामने 5 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड वीडियोज़, ठीक है। तो मैं सिंपलीफाई इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ना कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर आपने क्या करना है कि इस जगह इन दोनों में से किसी भी जगह पर क्लिक कर देना है, या सेलेक्ट फाइल पर क्लिक कर देना है, या इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं एनी वन जगह पे क्लिक करता हूं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपसे मतलब कि पूछेगा कि आप कहाँ पे अपनी वीडियो से मतलब कि वीडियो को सिलेक्ट करना चाहते हैं कहाँ से, ठीक है। तो मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करके इधर से वीडियो पे क्लिक करता हूँ, और इधर से जो है ना एंड शॉट पे क्लिक करके अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मैंने अपलोड करना है। तो मेरी जो है ना वीडियो अपलोडिंग के लिए चली गई है, तो जब तक ये अपलोड हो जाए तब तक मैं आपको पूरी सेटिंग बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इधर आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ अपलोड थंबनेल, ठीक है। आपने इसी के ऊपर क्लिक करके आपने अपना थंबनेल इधर से सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा वीडियोज़ की आपने सी शो मोर के ऊपर क्लिक करना है, और इसकी नीचे वाली सेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ कि आपने इधर क्या क्या करना है। यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, यानी कि आप अपनी वीडियो को किस प्लेलिस्ट में डालना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आपकी जो है ना वीडियो वो बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है। तो इधर आपने मतलब कि अपनी कैटेगरी को सोच कर रखना है कि आप की वीडियो जो है ना बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है, ठीक है। इसके नीचे आपने इसको थोड़ा सा स्क्रोल अप करना है। स्क्रोल अप करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मतलब के ऊपर लिखा हुआ है टैग्स का। इसमें आपने जो है ना अपनी वीडियो के मुतालिक टैग्स रखने हैं। इसके अलावा नीचे वीडियो लैंग्वेज आ जाती है कि इधर आपने अपनी वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी वीडियो की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, इंग्लिश है, या हिंदी है, या एनिमल कोई और भी हो सकती है। इसके अलावा आपने इसको थोड़ा सा डाउन करना है। डाउन करने के बाद आपको एक इधर और ऑप्शन नजर रहा होगा जहाँ पर लिखा हुआ है कैटागरी, ठीक है। तो मैंने इधर से पहले से जो है ना एजुकेशन सेलेक्ट करके रखी हुई है। तो इधर भी आपने अपनी वीडियो के मुतालिक जो है ना अपनी कैटागरी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसा कि व्लॉग हो गया या एंटरटेनमेंट हो गया, जो भी हो गया आपने इधर से वही सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है ऑल कमेंट्स वगैरह वगैरह। तो आपने इधर से अपने जो है ना ऑल कमेंट पर क्लिक कर देना है। इसका फायदा ये होगा कि जो भी बंदा कमेंट करेगा वो फ़ौरन ही आपके पास शो हो जाएगा, और पूरी पब्लिक के पास भी शो हो जाएगा। और इसके नीचे एक और भी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको जहाँ पर लिखा हुआ है शो हाउ मैनी मेरे व्यूवर्स लाइक दिस वीडियो, यानी कि ये पूछ रहा है कि आप के जो पब्लिक मसलन के आपके जो व्यूवर्स हैं वो जो लाइक करते हैं आपकी वीडियो को, वो लाइक इधर शो हों या नहीं। तो आपने इधर क्या करना है कि इसको अनचेक कर देना है। इसका फायदा ये होगा कि जब आप न्यू यूट्यूबर होंगे तो अगर आपकी वीडियो के ऊपर कम लाइक होंगे तो बंदे आपकी वीडियो को जो है ना इग्नोर करेंगे, तो जब ये हाइड होंगे तो बंदे समझेंगे कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इधर और एक सेटिंग होती है जो है वीडियो एलिमेंट का, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इधर इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक होता है जो
ऐड सबटाइटल का, मसलन कि जो आप कम है आपकी वीडियो अगर एक मिनट से ऊपर होगी तो इधर एंड स्क्रीन भी ऐड होगी। इसके बाद आता है ऐड कार्ड, यानी कि आपको वीडियो के ऊपर एक कोने में जो है ना उसका टाइटल शो हो जाता है, आप इधर 3 से 4 वीडियोज ऐड कर सकते हैं। इनके ऊपर ऐड के ऊपर सिंपली आपने क्लिक करना और अपनी वीडियोज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है जो तीसरा ऑप्शन है वो है चेक का, यानी कि इधर बताते हैं कि आपकी वीडियो जो है ना वो कॉपीराइट है या ऑर्गेनिक है या रियल है। ठीक है, इधर मेरी वीडियो रियल है इसलिए नो इशू फॉन्ट लिखा हुआ है। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन आता है वो है विजिबिलिटी का। ठीक है, तो मैं विजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ और इधर ये पूछ रहे हैं कि अपनी वीडियो को प्राइवेट करना चाहते हैं, प्राइवेट मतलब कि आप चंद बंदों को जिसको आप दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही दर्श होंगे, इसके अलावा अनलिस्टेड या पब्लिक। ठीक है, तो मैं अभी इसको अनलिस्टेड पे क्लिक कर देता हूं और आपने पब्लिक पे क्लिक करके अपनी वीडियो को पब्लिक कर देना है। तो आज की थी ये सिंपल सी ट्रिक, तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना।